भाजपा सुजानपुर के अध्यक्ष बीरेंद्र ठाकुर, उपाध्यक्ष अंकुश गुप्ता, मीडिया प्रभारी विनोद ठाकुर, महिला मोर्चा अध्यक्ष अर्चना चौहान, शहरी इकाई अध्यक्ष प्रकाश ढ्याल ने स्थानीय विधायक राजेंद्र राणा से सवाल पूछा है कि सुजानपुर विधानसभा की जनता आज अपने चुने हुए विधायकों को ढूंढ रही है, लेकिन विधायक साहब कहीं नजर नहीं आ रहे। भाजपा पदाधिकारियों ने कहा, सुजानपुर में जनता पूरी तरह से महामारी से त्रस्त है, लेकिन चुने हुए नुमाइंदे चंडीगढ़ में बैठकर बयानों की राजनीति कर रहे हैं। मीडिया प्रभारी ने कहा कि पूरी दुनिया इस समय मानव जीवन को बचाने में लगी है और सुजानपुर के विधायक राजनीति चमकाने में लगे हैं, जो कि निंदा का विषय है। सुजानपुर मंडल अध्यक्ष ने कहा, विधायक बताएं कि वो अपने लोगों के लिए चंडीगढ़ में बैठकर झूठे प्रचार के अलावा कौन सी सेवा कर रहे हैं। दिखावा और छलावा अगर दिखाना है तो अभिषेक व विधायक राणा ने चंडीगढ़ आशियाने में ही अपनी ही इनोवा गाड़ी में सामान रखकर फोटो को सोशल मीडिया पर अपलोड किया। सुजानपुर की जनता पूछती है कि सुजानपुर के लिए भेजी गई इनोवा चंडीगढ़ नंबर से अंकित है, वह अभी तक सुजानपुर क्यों नहीं पहुंची। इसका ब्यौरा विधायक राणा और अभिषेक राणा को जनता के समक्ष रखे, क्योंकि दिखावे और छलावे की राजनीति का कभी भी धरातल पर कोई आधार नहीं होता। परंतु इस बार लोग जानते हैं किस प्रकार से विधायक भ्रमित राजनीति कर रहे हैं। इस बार जनता उनके हथकंडों से भ्रमित होने वाली नहीं है। पिछले लगभग महीने भर से रह रहे चंडीगढ़ में बैठकर अपनी राजनीति सोशल और प्रेस के माध्यम से चमका रहे हैं। पदाधिकारियों ने तंज कसते हुए कहा कि विधायक राजेंद्र राणा व अभिषेक राणा को यह समझना होगा कि सोशल मीडिया में सक्रिय रहने से जनता की सेवा नहीं होती। उन्होंने कहा, एक तरफ जहां भाजपा हर व्यक्ति की सेवा में लगी है, सुजानपुर का युवा कंधे से कंधा मिलाकर इस समय में सहयोग और काम कर रहा है, ऐसे में विधायक के बयान अपनी राजनीति चमकाने वाले दिख रहे हैं। हम पूछना चाहते हैं सुजानपुर के माननीय विधायक व उसके सपुत्र जो कि इनोवा गाड़ी के सामने फोटो खिंचवाकर जिसमें सामान रखा हुआ है, वो ये दर्शा रहे हैं कि ये सामान जो हमीरपुर के लोगों के लिए जगह जगह वितरित किया जा रहा है, बल्कि ये फोटो जो है चंडीगढ़ स्थित उसके उनके आशियाने से खींचा गया है और लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, और कब तक ये भ्रमित करते रहेंगे। हम माननीय विधायक जी से ये पूछना चाहते हैं कि ये जो सामान जो है अपने चंडीगढ़ में इसकी फ़ोटो खींची है, ये सामान हमीरपुर में या सुजानपुर में कहाँ कहाँ पहुँचा, किन लोगों को वितरित किया। ये भ्रमित करने की राजनीति माननीय विधायक जी छोड़ दें, इस वक्त आपकी ज़रूरत वहाँ के लोगों को है जिन्होंने आपको विधायक बनाया है, ना कि आपको चंडीगढ़ में ठहरने के लिए या उनको वहाँ पे आराम करने के लिए उन्होंने विधायक बनाया। तो ये विधायक जी ये भ्रमित करने की राजनीति छोड़ दें और लोगों के बीच में सुख दुख की घड़ी में इनके बीच में आए, यही मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। सुजानपुर के विधायक और उनके पुत्र अभिषेक राणा लगभग महीने भर से सुजानपुर की जनता को अकेले छोड़ चंडीगढ़ आशियाने से सोशल मीडिया और प्रेस मीडिया के माध्यम से सेवा का दिखावा जो लगातार कर रहे हैं, उसे भी अब जनता समझ चुकी है। विधायक को समझना होगा यह समय मानव और मानवता को बचाने का है, ना कि राजनीति करने का। जिस प्रकार की वह राजनीति कर रहे हैं वह निंदा का विषय है, और विधायक को समझना होगा कि दिखावे और छलावे की राजनीति का धरातल पर कोई भी आधार नहीं होता है।